हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेवर एजुकेशन। आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 15 फरवरी 2023 तक बिहार डीएड का लास्ट डेट रखा गया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट ने आवेदन कर दिया होगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर आखिरकार इस बार 2023 में टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, इसके बारे में बताइए। साथ ही आप हमें ये जानकारी दीजिए कि आखिरकार इस बार कितना कंपटीशन होने वाला है, यानी कि कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन एक सीट पर कितने काइंड फाइट करने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार डीएड से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बार जो 2023 में बिहार डीएड के लिए एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। जैसा कि आपको मालूम हुआ, पहले 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 2023 में 120 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इसी एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण गाइड बुक है, जिसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। साथ ही 2 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्लस में आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद इस बुक को रीड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को जरूर बाय कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने एक न्यूज कट कोफिन कर रखा है, जो कि इस बार यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, डीलेड में दाखिले को मार्च के तीसरे सप्ताह तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी कि मेंशन किया गया कि जो आपका एग्जाम होना है बिहार डीएड के लिए, वो आपको मार्च के तीसरे सप्ताह में लिया जाएगा। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में ये भी डाउट है, मैंने बहुत सारे कमेंट देखा, जो कि बहुत सारे कमेंट में ये पूछा गया कि सर इस बार जो एग्जाम है अप्रैल में होगा? बिल्कुल अप्रैल में नहीं होगा, जो आपका एग्जाम है वो आपको 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच होना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जो कि बिहार डीएड का ऑफिशियल जो कैलेंडर जारी किया गया है, इसको आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस बार टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, आवेदन पड़े 2 लाख और सीट है 30,550। ठीक है, अब बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर जो आप यहाँ पे डाटा दिखा रहे हैं, क्या ये रियल है या फिर आपने इसको क्रिएट किया है या फिर किसी ने शेयर किया है? ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो न्यूज है ये ऑफिशियल, हालांकि कोई वेबसाइट पर न्यूज नहीं दिया गया है, ये मेरे पास एक कैंडिडेट ने सेंड किया हुआ है। और मैं बता दूं कि जो ये डाटा है इसमें थोड़ा बहुत आपको इधर उधर हो सकता है। इधर उधर कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 2 लाख यहाँ पर मेंशन किया है कि आवेदन पड़े, तो हो सकता है कि 1,75,000 पड़े, 1,80,000 पड़े, थोड़ा बहुत आपको अंतर हो सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं दिया गया। हालांकि मैंने बहुत कोशिश किया कि कॉल लगाकर बात किया जाए, लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस जो आवेदन पड़े हैं इस डाटा पर विश्वास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन जो टोटल सीटों की संख्या ये तो आपको इतना है बिल्कुल रियल है, लेकिन जो आवेदन पड़े हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसको लेकर बिल्कुल टेंशन ना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये जो आप बता रहे हैं कि इतने सीट हैं 30,550 और आवेदन पड़ गए 2 लाख, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन हो गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो आप एग्जाम देने वाले हैं बिहार डीएड का, एक प्रवेश परीक्षा है, ये परीक्षा देने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, आपको एडमिशन लेना होता है डीएड के लिए। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आवेदन करते हैं और आवेदन भी कर लेते हैं, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सीरियस पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इस बार कितना कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, आपको मैंने एग्जाम डेट बता दिया कि 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच आपका जो एग्जाम है होना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए डिटेल मेंशन किया गया इसके एग्जाम डेट के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डाटा तैयार किया हुआ है अपने से, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस बार जो टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है उसको हम लोग मान लेते हैं 2 लाख। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ कि देखिए जो 2 लाख डाटा है पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि इतना फॉर्म गिरा होगा। ठीक है, होगा, कोई फिक्स नहीं है। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि 2 लाख आपका फॉर्म गिरा हुआ है। ठीक है, और हम लोग इसके सीट में भाग दे देते हैं, जैसे कि टोटल सीटों की संख्या है 30,550 और 2 लाख में हम जब भागा देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इतना आ रहा है, यानी कि 6.5
5-4, तो मानकर चल सकते हैं कि लगभग 7 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एडमिशन लेने के लिए बिहार डीएड में 7 सीट पर एक कैंडिडेट, यानी कि 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का किसी का एडमिशन होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ये कंपटीशन है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि सर 7 कैंडिडेट ये तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 7 में भी आपको समझिए कि 2-3 तो ऐसे कैंडिडेट होंगे 7 में से जो कि पढ़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं करते होंगे, लेकिन 7 में से मुझे लगता है कि 3 या 4 बहुत ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बहुत ही सीरियस होंगे, ठीक है। तो आपको भी अभी से सीरियस हो जाना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, आपको एक मंथ से भी कम समय बचा हुआ है, तो बिल्कुल आप बिहार डीएड की तैयारी करते रहिए। जितने भी मैंने आपको वीडियो अपलोड की है उसको देखिए, साथ ही घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करना है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे लगाना है, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम होना है ऑनलाइन होना है, इसका भी नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है। सर ऐसे क्वेश्चन और कमेंट देखने को मिलेगा कि सर आखिरकार कितना फॉर्म फिलअप किया गया है, तो मैंने इसके बारे में डाटा तैयार करके आपको जानकारी दे दिया है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि देखिए कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली बार था वो 1.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया था, और इस बार जो फिलअप किया गया उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, तो उसके अनुसार ये डाटा तैयार किया गया है। हालांकि मैंने कॉल लगाकर बहुत कोशिश किया कि जो ऑफिस है पटना के हेड ऑफिस वहाँ पर बात किया जाए और उनसे पूछा जाए कि कितना फॉर्म फिलअप किया गया, हालांकि उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिला है, ठीक है। तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे ऐसा वैसा कमेंट ना करें, वीडियो है आपकी हेल्प के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप इसको अच्छे से समझें और अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।